दिल्ली सरकार और एलजी में फिर ठनी। एलजी ने किया वैट कमिश्नर विजय कुमार का तबादला। दिल्ली सरकार ने उठाए सवाल, कहा वैट कलेक्शन का टारगेट पूरा करे एलजी। हरियाणा में नहीं थम रही हिंसक वारदात। यमुनानगर में युवक को जलाया जिंदा। पीजीआई चंडीगढ़ में हुई मौत, पुलिस अब भी खाली हाथ। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। दशहरा मेला में फ्री में झूला झूलने को लेकर जमकर मचाया उत्पात। कर्मचारियों से की मारपीट, पुलिस नहीं दे रही पीड़ितों का साथ। गायक अभिजीत पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला का थाने में हंगामा। मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में चाकू लेकर मचाया बवाल। महाराष्ट्र में बाघों को बचाने को लेकर अभियान तेज। मुंबई से चंद्रपुर के लिए रवाना हुई सेव द टाइगर प्रोजेक्ट की बाइक रैली। बिग बी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य आचार्य पंडित धनंजय दुबे जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद। विषय आज का भी बेहद ही खास है। हर दिन की ही तरह एक खास जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। पहले तो आज जो है एक खास दिन ये है कि पापांकुशा एकादशी है आज, यानी कि जो भी जाने अनजाने आपसे पाप हुए हैं उनसे आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। खास प्रयोग हम आपको बताएंगे ही, लेकिन इसके अलावा आज का विषय जो है हम आपको बता दें कि अपने करियर के चलते, अपनी नौकरी के चलते, जिसे आपने पाने के लिए मशक्कत की, मेहनत दिन रात कर रहे हैं, लेकिन नौकरी के चलते आज आप अपने जीवन की एक बहुमूल्य चीज गवा चुके हैं। जी हाँ, शादी की उम्र भी गुजरती चली जा रही है लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई है, और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने पूरा जो फोकस है अपने करियर को कर दिया। क्यों नहीं हो पाती है शादी समय पर, ये हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे और उपाय भी बताएंगे, लेकिन चलिए इसकी एक छोटी सी झलक देखिए। आचार्य जी, हर चीज का एक समय होता है। करियर भी बहुत जरूरी होता है लेकिन जीवन साथी का सही समय पर चुनाव चयन भी बहुत जरूरी होता है। क्या वजह होती है कि सिर्फ करियर की तरफ ही ध्यान रहता है और जीवन साथी चुनने में इतनी देरी हो जाती है? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि आप करियर बनाने के चक्कर में जिंदगी गंवा देते हैं। जिंदगी अगर बन जाती है, क्योंकि जिंदगी बिना जीवन साथी के कुछ भी नहीं। कैरियर आप कुछ भी करें लेकिन अगर जीवन साथी ना हो, परिवार ना हो, तो किसके लिए क्या कीजिएगा। और ये भी कहा गया है अर्थशास्त्र में, ये भी बोला गया है कि आपका परिवार देश का सबसे छोटा देश है। कहने का मतलब कि देश की सबसे छोटी इकाई है और जहां से आपका देश शुरू होता है, आपकी जिम्मेवारी शुरू होती है। लेकिन कुछ ग्रहों का ऐसा कारण हो जाता है, वो हम विस्तार पूर्वक बताएंगे कि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि कैरियर में तो बड़े हाइट पे ले जाते हैं लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ एकदम सुन बटे सन्नाटा कर देते हैं। जी हाँ, तो अब घबराइए मत, बसेगा आपका घर संसार भी और नौकरी भी अच्छे से ही चलेगी आपकी। लेकिन प्रयोग है वो हम आपको आगे बताएंगे, पर उससे पहले हम सुनेंगे आज की खास दिव्य स्तुति जो माँ भगवती को समर्पित है। तो ध्यान से सुनिए अंतर्मन से दिव्य स्तुति। माँ दुर्गा को ये स्तुति समर्पित है और इस स्तुति के स्मरण से बहुत सारा लाभ है, बताते हैं, सुनिए। सर्व बाधा विनर मुक्तो धन धाने सुता विंतो मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति ना संशय। मतलब मार्कंडेय पुराण में ये लिखा गया है और इस श्लोक का मतलब ये हुआ कि माँ भगवती की स्तुति करने से बाधाओं से मुक्ति मिलती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, वंश वृद्धि होती है और मनुष्यों को यह सब प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है, आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होता है। इसमें बिल्कुल संशय वाली बात नहीं। जी हाँ,
और हर इंसान से गलती होती है और उसका प्रायश्चित भी हर इंसान करना चाहता है। अगर आपके मन में इस तरह की भावना आई है, आप चाहते हैं कि कुछ गलतियां हुई हैं जिसको लेकर आप प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो पापांग कुशा एकादशी है आज। उपाय हम आपको बस बताने ही वाले हैं, लेकिन बिजनौर से प्रेम प्रकाश जुड़े हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। प्रेम प्रकाश जी आप तक जी। हाँ पंडित जी। जी बोलिए। हाँ पंडित जी, मैं अपने भतीजे के बारे में पता करना चाह रहा हूँ। जी जी। जयंती थी है 21 अगस्त 1989। 21 अगस्त 1989 जी। और समय? गाजीपुर का जन्म है इसका। समय बताएं। समय 3:20 है सुबह का। सुबह का 3:20 जी। गाजीपुर बताया आपने। जी जी। सवाल क्या है आपका? सवाल है, एक तो इसके भविष्य के बारे में पता करना चाह रहे हैं जी, और शादी इसकी कब होगी, और एक शादी के लिए चर्चा चल रही है, उस लड़की जन्म तिथि बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। देखिए, एक समय में एक ही कुंडली बन सकती है, तो आप इन्हीं को लेकर सवाल पूछ पाएंगे। तो मैडम बताइए गुरु जी की शादी इसकी कब तक होगी, कैरियर इनका कैसा रहेगा? जी जी जरूर। देखिए, कर्क लगन की कुंडली है, कर्क राशि बनती है और बृहस्पति ऊंच के बैठे हैं चंद्रमा के साथ, और शुक्र की महादशा राहु की अंतरदशा चल रही है, तो शादी का जो योग इनकी कुंडली से बन रही है, अगर बहुत बढ़िया योग बोलें तो ये मान के चलिए कि जून 2016 के बाद आरंभ हो रहा है, और जून 2016 के बाद ही करना भी उचित रहेगा। हाँ, कैरियर में भी आगे बढ़ेंगे, इनके लिए शादी भी हो जाए, कैरियर भी अच्छी रहे, इसके लिए हम कहेंगे कि इनको पुखराज धारण करवाइए, सफेद पुखराज स्वर्ण में राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में पहनाइए, और साथ ही साथ इनको बोलिए कि भगवान शिव पर नित्य जल चढ़ाया करें, मनोकामनाएं पूरी होंगी। जी हाँ। और आप सबको आपका अपना सीक्रेट नंबर भी बस आगे मिलने ही वाला है, लेकिन उससे पहले आज पापांग कुशा एकादशी है, जाने अनजाने कुछ भी गलतियां हुई हैं आपसे, तो प्रायश्चित का आखिरी और अच्छा मौका है आपके पास, तो जानिए क्या करना चाहिए, ऐसे में आपको उपाय। पापा अंकुशा एकादशी कहा गया है इस एकादशी के बारे में, कि ये वो एकादशी है कि आज अगर आप उपाय करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो आप अपने मातृपक्ष से, पितृपक्ष से, पत्नी पक्ष से 10 पीढ़ियों तक के किए गए पापों का निवारण कर देते हैं, और पाप पर भविष्य में पाप पर अंकुश लगता है। इस एकादशी का ये महत्व है, और जाने अनजाने की हुई गलतियों के लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं, ये जरूर कीजिए। संध्या के समय में पूरब की ओर मुख करके बैठें और एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे आप, और ध्यान करते हुए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, और अपने इष्ट देव से क्षमा प्रार्थना करें, अपने लिए भी, अपने पितरों के लिए भी, और कि वो जाने अनजाने जो भी गलती हुई हो उसको क्षमा करें, मुक्त करें उन गलतियों से। इसके उपरांत गाय को अपने हाथ से रोटी खिलाएं, ये आप कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी गलतियां तो क्षमा होंगी होंगी, और आपके पूर्वजों द्वारा जो भी गलती की हुई है उससे भी वो मुक्त हो जाएंगे। जी हाँ। और अब बारी आ गई है आज के लकी कॉलर से बात करने की, तो लगाते हैं इन्हें अब कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका शो में, अपना नाम स्थान पहले बताएं आप। नमस्कार जी, पंडित जी प्रणाम। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मैं पंकज बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी पंकज जी, बधाई आपको, आज के लकी कॉलर हैं आप। थैंक यू। पंडित जी, मैं ये अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ, हाँ, मेरे जन्म तिथि है 1st अक्टूबर 1984। 1st अक्टूबर, ओके। हाँ जी। और समय? 3:10 दोपहर के। दोपहर के, ठीक है। दरभंगा बिहार का जन्म। जी, क्या सवाल है आपका पंकज? हाँ, मेरा सवाल ये है, मेरे को भविष्य रिलेटेड है मेरा सवाल, कि मेरा कोई भी काम बनता नहीं है, अभी मैं जॉब चेंज करना चाहता हूँ लेकिन जॉब चेंज कर नहीं पा रहा, एक टेंशन रहती है हमेशा दिमाग में, और वो टेंशन किस चीज की रहती है वो मालूम नहीं है। जी देखिए, मकर लगन की कुंडली है और धनु राशि बनती है, चंद्रमा की महादशा चल रही है और राहु की अंतरदशा चल रही है, जो मेंटल स्टेटस है बहुत कंफ्यूजन वाला रहता है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं रहती कि किसी भी डिसीजन में, जब भी आप डिसीजन लेते हैं फिर उसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ये सही लिया कि नहीं लिया, तो ऐसी स्थिति में हम आपको ये कहेंगे, उपाय बता रहे हैं
इसके लिए आप पन्ना जरूर धारण करें, और साथ ही साथ हम आपको ये भी कहेंगे कि गणेश स्त्रोत का पाठ करना शुरू कीजिए, और प्रत्येक बुधवार के दिन आप किन्नरों में कुछ ना कुछ, चाहे वस्त्र हो, चाहे धन हो, चाहे कुछ भोजन की सामग्री हो, बांटना शुरू कीजिए। इसका लाभ देखिए, जिंदगी में तरक्की, बरकत और जो ये कंफ्यूजन वाला स्टेट ऑफ माइंड बना हुआ है ये खत्म हो जाएगा जी। और कोलकाता से हमारे साथ राजेश जुड़े हैं, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और सवाल पूछें आप। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्कार। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी। हाँ पंडित जी, मेरा जन्म है 16/8/79 जी, समय 4:15 कलकत्ता AM। 4:15 जी AM कलकत्ता जी। जी क्या सवाल है आपका? पंडित जी मैं CA कर रहा हूँ, और मैं क्या CA कर पाऊंगा, और क्या मेरी सरकारी नौकरी का योग है, और मेरी शादी कब तक होगी? कर्क लगन की कुंडली है आपकी, और वृषभ राशि बनती है, चंद्रमा उच्च के एकादश भाव में है, और बृहस्पति की महादशा चल रही है, शनि की अंतरदशा चल रही है। हाँ मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि CA कर रहे हैं कीजिए, आगे बढ़िए उसमें, एकदम कॉन्सेंट्रेशन लेवल अपना बढ़ाइए। और रही बात गवर्नमेंट जॉब की, तो देखिए सूर्य और बृहस्पति का जो योग बना है, चांस है, आप जरूर प्रयास करें। और मैं आपसे जरूर कहूंगा कि 2017 तक का ऐसा योग है कि आपको प्रयास करना चाहिए, संभावित है कि इसमें गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। इसके लिए आप उपाय करें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना शुरू कीजिए, और साथ ही साथ सूर्य दर्शन और गायत्री मंत्र का जाप करना खुद शुरू कीजिए, बहुत लाभ होगा जिंदगी में, और आंखों से संबंधित कोई समस्या भी नहीं रहेगी जी। हाँ वक्त हो गया है यहाँ पर एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि हर पल आपको डर लगता है कि कहीं आपकी नौकरी ना छूट जाए, तो ये डर दूर होगा जी हाँ, नौकरी में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, और कुछ उपाय हम आपको कल देने वाले हैं। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा ISI एवं ICC IDD सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें। अंकुर नमक, असली नमक, द प्राइड ऑफ इंडिया। बंदर देखा, हाथी देखा, आरा सिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा, पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा, महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका, पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका, ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा, सांची की शांति में खुद के अंदर झांक के देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल, द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, मध्य प्रदेश। ये फेस का क्या हाल बना रखा है? दिन भर धूप में एक्टिंग करता हूँ, फेस उड़ल हो गई। अबे धूप में तो एक्टिंग मैं भी करता हूँ, नहीं होता, ये ले फेस को अटेंशन दे। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम, ये धूप में भी काम करे और दे दुगना फेयरनेस। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम, नो केमिकल एनर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल बीएच प्लस हेयर कलर। हाँ, हाँ, हाँ। कैसे पता ये पानी प्योर है? हाँ? कहाँ? प्योरिट अल्टिमा RO प्लस UV, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है, देखा? साफ साफ प्योरिट अल्टिमा RO प्लस UV विद प्योरिटी इंडिकेटर।
Introducing two new fragrances from Engage Deo Sprays. Give in to the language of love. लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए. कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे. सर्फ एक्सेल इजी वॉश, अब सिर्फ 10 रुपए में. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. तो जैसे कि हमने आपको बताया कि नौकरी के चक्कर में अगर आपकी शादी अब तक नहीं हो पाई है तो वजह क्या होती है और ऐसे में उपाय क्या होने चाहिए ताकि आपकी जो जिंदगी है वो संवर जाए, संभल जाए और शीघ्र आपका विवाह भी हो और नौकरी भी सुचारू रूप से चले. लेकिन आचार्य जी, आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि वजह क्या होती है कि करियर ही कहीं ना कहीं बैरियर बन जाता है लाइफ. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं. कई बार ऐसा होता है कि कैरियर में बहुत बड़ा एक बैरियर आ जाता है, कैरियर ही आपका बैरियर बन जाता है लाइफ को लेके और आप आगे नहीं बढ़ पाते. कैरियर के हाइट पे पहुंचते हैं, वहां पे आप घर बसाना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन जब घर बसा लें तो कैरियर अपने आप बन जाता है. और ऐसी स्थिति में ग्रहों की जो स्थिति होती है वो तो होती होती है, जैसे कुंडली में शनि ऊंच का हो जाए, ये इन सब चीज़ों का काफ़ी सारी चीज़ें हैं. तो कहीं ना कहीं आपका कैरियर के प्रति एग्रेसिव होना आपके जिंदगी को रोक देता है. जी हाँ, तो कौन कौन से वो ग्रह हैं, युति हैं, जिनकी वजह से आपके जो आपकी लाइफ है, जो आपकी शादी को लेकर जिंदगी आगे बढ़नी चाहिए वो समय पर नहीं बढ़ पाती है, ये हम आपको ग्रहों के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से बताएंगे पर उपाय भी देंगे. लेकिन उससे पहले बात करेंगे, गुड़गांव से हमारे साथ शशि जुड़ी हैं. स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और सवाल पूछें. जी नमस्कार पंडित जी. हाँ नमस्कार जी. नमस्कार कंचन जी. नमस्कार. मैं ना अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ. जी, जन्म की तारीख बताएं आप. 1985 6 मई. जी. समय रात के 3:10 को. ये 7 तारीख का बैठेगा पंडित जी. जी हाँ बिल्कुल. जी, हाँ जी, हाँ जी. 6 मई को रात को 3:10. हाँ जी. जन्म स्थान बताएं. हाँ जी, इसके बारे में बताइए, जन्म के बारे में और आगे फ्यूचर कैसा रहेगा. जन्म कहाँ हुआ है? सहारनपुर में. और शशि जी के सवाल का जवाब देंगे, लेकिन शशि जी आपसे भी और आप जैसे ही और लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आप बात करें टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया कीजिए, फोन पर आप आसानी से सुन पाएंगी. जी जी, देखिए बच्चे की जो कुंडली है मीन लगन की कुंडली बनी है और वृश्चिक राशि बनती है और अभी शुक्र की महादशा चल रही है. कैरियर को लेके बात करें तो 18 नवंबर 2015 के बाद शुक्र में शनि की अंतर्दशा शुरू होगी. अच्छा समय का आगमन है. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना जरूरी है क्योंकि केतु अष्टम भाव में होने की वजह से कुछ शारीरिक कष्ट दे सकता है, पेट की रोग की संभावना प्रबल होती है. ऐसी स्थिति में हम आपको यही कहेंगे कि इनको सूर्य दर्शन करवाइए और साथ ही साथ इनको मूंगा जरूर धारण करना चाहिए. मूंगा 7.5 रत्ती का चांदी में पहनवाइएगा, बहुत लाभ होगा. जी हाँ, और चलिए अब आपको बताते हैं कि जिंदगी के उस पड़ाव पर आप आ चुके हैं जहां करियर तो सेटल है आपका, लेकिन आपकी शादी नहीं हो पा रही है और शादी की उम्र भी होती ही जा रही है, गुजरती जा रही है, और आप चाहते हैं कि अब शीघ्र आपका विवाह हो जाए, घर संसार आपका बस जाए. क्या है ऐसे में उपाय, आइए जान लेते हैं. जिंदगी में जब आप कैरियर के एक हाइट पे पहुंचते हैं तो कैरियर की हाइट पे जब पहुंचते हैं तो जब पीछे देखते हैं तो एकदम खाली दिखता है क्योंकि जिंदगी आपने बनाया ही नहीं, आपने कैरियर बनाया, लाइफ तो है ही नहीं कुछ, सिर्फ कैरियर में ही उलझ गए. ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि जब कुंडली में शनि ऊंच का हो जाए या आपकी कुंडली में सप्तमेश दशमेश के साथ अस्त होकर बैठा हो या सप्तमेश सूर्य के साथ बैठ जाए, ऐसी स्थिति में कैरियर के चक्कर में जीवन साथी का चयन आप समय पर नहीं कर पाते, इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते जीवन साथी को, जिसकी वजह से कैरियर की बजाय आप जीवन ही दांव पे लगा देते हैं. तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप
नित्य भगवान विष्णु की स्तुति किया करें, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लिया करें, उनके नाम पर अनाथ बच्चों में कुछ ना कुछ दान करना आरंभ कीजिए, जिंदगी भी बनेगी और करियर भी बनेगा। बिल्कुल। और सीक्रेट नंबर जिसका आप सभी इंतजार कर रहे हैं, 24 घंटे इसे आपको अपने पास रखना होता है और किसी से भी साझा नहीं करना होता है, और ऐसे करने से आपका जो भाग्य है वो प्रबल होता है। सीक्रेट नंबर हम बस आपको देने ही वाले हैं, लेकिन गुड़गांव से हमारे साथ सुशीला जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में। नमस्ते कंचन जी। नमस्कार। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी। मैं अपनी बेटी के लिए पूछना चाह रही हूँ। जी बताएं, जन्म की तारीख 8/9/1995। जी। समय रात के 12:30 से 3:35 के बीच का। जी। और झज्जर। 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 जी जी, जी। क्या जी, सवाल है आपका? BCA फाइनल ईयर में है, इसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी क्या? और किसी ने इसके कुंडली में अंगार योग दोष बताया है, अगर कोई दोष है तो उसके उपाय बता दीजिए। इसकी शादी की किस वर्ष होगी और किस दिशा में? जी देखिए, कुंडली मिथुन लगन की कुंडली बनती है और बृहस्पति की महादशा चल रही है। हाँ, कुंडली में हम ये कहेंगे कि कोई ऐसा योग नहीं है कि जिससे मांगलिक दोष हो या कुछ ऐसा दोष हो। हाँ, चंद्र यहाँ पे चंद्रमा और शनि का जो योग है अच्छा योग माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा शनि के साथ बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति आगे बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है। और इनके लिए हम आपको यही कहेंगे कि इनसे हमेशा पीपल के पेड़ में जल दिलवाया कीजिए सुबह के टाइम में, और संभव हो तो शनिवार के दिन महीने में कहीं भी एक बार पीपल के पेड़ को लगवाइए, पौधा रोपण करवाइए, इनसे बहुत लाभ होगा। और कुंडली में विशेष तौर पर हम ये कहेंगे कि कुष्ठ रोगियों की सेवा करवाइए, अन्नदान करवाइए, लाभ होगा। जी हाँ। और अब चलिए, अब सभी के सभी नोट कीजिए अपना अपना सीक्रेट नंबर। नोट करेंगे आप अपना सीक्रेट नंबर, और मूलांक एक से हम लोग शुरू करते हैं। मूलांक एक वाले लोगों के लिए 10 नंबर और मूलांक दो वाले लोग 21 नंबर, मूलांक तीन वाले लोग 19 नंबर, मूलांक चार वाले लोग 17 नंबर, मूलांक पांच की बात करें तो आप लोग 22 नंबर, और मूलांक छह वाले लोग 12 नंबर, मूलांक सात की बात करें तो 18 नंबर, मूलांक आठ की बात करते हैं 23 नंबर, और मूलांक नौ वाले लोग 14 नंबर। ये नंबर आप लोगों का सीक्रेट नंबर है, इसको बहुत ही गोपनीय ढंग से रखिए अपने पास, 24 घंटे तक रखिए, लाभकारी, चमत्कारी, सुरक्षा देने वाला नंबर है। जी हाँ। भरतपुर से राज जुड़े हैं, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। मेरा नाम भरतपुर से राज जुड़े हैं। राज जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए आप। मैं जानना चाहता हूँ, मैं कोई भी काम करता हूँ हो नहीं पाता। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 मई 1992। समय? मेरा 23 मई 1992। समय बताएं आप। समय शाम को 5:20। और स्थान? किधर मैम? स्थान बताएं आप। 5:20 बताया ना समय, और क्या पूछना था आपको? राज जी, एक काम कीजिए, टीवी से सुन लीजिए, टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए। जन्म स्थान का वॉल्यूम बंद कर दिया। हाँ, जन्म स्थान बताएं आप अपना। जन्म स्थान भरतपुर, राजस्थान। जी जी। अब बताएं आप अपना सवाल। जी जी, क्या सवाल है आपका? जी मैं जानना चाहता हूँ, काम नहीं बनता आपका? काम नहीं बनता, कोई भी काम कर। जी, कोई भी काम करते हैं बनते नहीं है। ठीक है, देखिए तुला लगन की कुंडली है और मकर राशि बनती है, राहु की महादशा चल रही है, मंगल की अंतर्दशा चल रही है, ऐसी स्थिति में राहु की महादशा में हम आपको ये कहेंगे कि थोड़ा सा गाड़ी भी संभाल के चलाइए और बोली पर नियंत्रण रखिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कीजिए प्रत्येक शनिवार मंगलवार, सुंदरकांड का पाठ कीजिए और हनुमान जी को रोट का भोग लगाइए, आपके सारे काम बनेंगे और
सुरक्षित भी रहेंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा आपका। जी हाँ, तो चलिए इन्हीं खास जानकारियों के साथ कल, आज और कल में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन खास जानकारियों के लिए। और कल दोपहर 2 बजे हम आपको बताएंगे कि जो हमारा गुस्सा है, हमारा क्रोध है, हमसे बहुत कुछ छीन सकता है, नुकसान के शिकंजे में हम फंस सकते हैं, लेकिन क्रोध हम पर हावी ना हो इसके लिए उपाय हम आपको कल देंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। सुना आपने, अगर मेरे पैसे मुझे मिल गए होते तो मेरी बेटी की शादी हो जाती। ये एक ऐसे बाप का दर्द है जिसे यूपी के कुछ सरकारी अफसर 9 साल से अनसुनी कर रहे हैं। सिस्टम को हिला देने वाली खबर आज दोपहर 3:30 पर हेल्पलाइन हक आपका है। लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। नाइस पिक ना? क्या नाइस? हा? मैं तो हुई नहीं इसमें। हाँ यार, एक सोलो निकालना। नाइस ना? सुपर। एपी पे डाल। ओके। कितने लाइक्स आए? 100, 200। कब शव करती कार? ऑल्ट 800 प्रेजेंट्स चलती का नाम गाड़ी। लेट्स गो। 28 अक्टूबर से सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ सब पर। सच्चा दा बंग हो। DMR, DMR। कंफर्ट का संग हो। DMR, DMR। DMR Desire, दीवाना बना। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। भाभी, इतने मैले कपड़े, व्हील ड्राई कीजिए। व्हील नया है और ज्यादा अच्छा है। लेकिन मेरे पाउडर से नहीं। देख तेरा व्हील क्या ऐसा ऐसा झाग देगा, इससे बेहतर मैल निकाल सकता है। इसे कहते हैं सफाई, गहरी सफाई। मैंने हमारी बाल्टियाँ बदल दी थी भाभी, अब तो अपना पाउडर बदलने का सोचिए। नए व्हील की हजारों नींबू जैसी शक्ति दे गहरी सफाई। बदल दिया। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा क्योंकि वीडियो कॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियो कॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। प्राचीन आयुर्वेद संसार में होने वाली गंभीर से गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, पार्किंसंस, जोड़ों का दर्द, स्किन सोराइसिस आदि का सफल इलाज करता था। आयुर्वेद द्वारा मेरा प्रचार प्रसार व उपचार गुरुकुल व आश्रमों में होता था। देवभूमि हिमाचल में पाई जाने वाली जड़ी बूटियां
विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। 20वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने केमिकल से बनी अंग्रेजी दवाइयों और ऑपरेशन को बढ़ावा देने के चक्कर में